हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और उसके उसके साथ साथ हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये बताया था कि देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इन मूविंग मास इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। उसके बाद क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूविंग मास। एम क्या है, मूविंग मास इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। डी वी अपॉन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और कल हमने लास्ट में इस पर न्यूमेरिकल भी देखा था कि यदि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट मास के द्वारा क्या होता है किसी भी पॉइंट पे। तो हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट के द्वारा जी एम अपॉन क्या होता है, आर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मोर देन पॉइंट मास किसी भी के द्वारा किसी भी पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा, मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इसके द्वारा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में देखें। देखो, फिर यहाँ जिस तरह हम फील्ड कैलकुलेट करते थे उसी तरह हम क्या करेंगे, पोटेंशियल भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जिसे देखो, यहाँ मान लो कि ऐसे हम ये मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए, और इस पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है m, ठीक है। यहाँ मुझे क्या करना है, p पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक डिफरेंशियल मास कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, dm। इसके द्वारा हम पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। और फिर क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे इस dm मास के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, dVp इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम जी अपॉन क्या होगा, आर विथ माइनस साइन, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, और जब आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल एक स्मॉल मास कंसीडर करो, उसके द्वारा पोटेंशियल लिखो, और फिर क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वन ग्रेविटेशनल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन रॉड बेंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क,
form of arc at its center. ठीक है, देखो यहाँ यही क्या है, ध्यान देना है, यही सेंटर है इसका, इसका रेडियस क्या है, r है, और मान लो कि इस पे जो मास है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है, और ये एंगल मैं मान लेता हूँ कि दिस एंगल इज क्या है, अल्फा. मुझे क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल लिखना. याद रखना, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट मैंने नहीं बताया, वोल्ट होता है, आप लोग को भी मालूम है, या जूल पर केजी हम लिखेंगे इसको, ठीक है. तो अब देखो यहाँ से जब मुझे पोटेंशियल लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करूँगा डी आर, और इसका जो मास होगा वो हमने क्या मान लिया, डी एम. इसके द्वारा यहाँ पोटेंशियल लिख देंगे, तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, डी वी सी इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस जी डी एम अपॉन क्या लिखेंगे. अब देखो ये सब क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, जी और आर क्या है, कांस्टेंट है, तो वी सी यदि लिखना होगा तो मैं लिखूँगा जी अपॉन आर इंटीग्रेशन डी एम. डी एम का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इस पर टोटल मास कितना होगा, तो सिंपल हम बोल सकते हैं माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर. तो यहाँ एक रिजल्ट ध्यान देना है, देखो ध्यान से, क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन रॉड बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, आर्क, इज इनडिपेंडेंट विद द क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. अल्फा से क्या हो गया, देखो इनडिपेंडेंट हो गया, समझ में आया ना, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, कि इस आर का मास क्या है उस पे, और रेडियस क्या है उसी पे डिपेंड कर रहा है, अदरवाइज किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है. तो अब देखो, यदि मुझसे कोई पूछे, देखो ध्यान से, कि ये क्या है, सेमी सर्कुलर है, यहाँ भी रेडियस मास क्या है, मैं रेडियस क्या आर है, सी है, यहाँ पोटेंशियल लिखो सी पे, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है. यदि तुमसे कोई पूछे कि एक रॉड है जो क्या है, ऐसे बेंड है, ठीक है, इस सिचुएशन में भी यदि मास क्या है, एम है, और रेडियस आर दिया हुआ है, ये सेंटर सी, सी पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है. यदि कोई पूछे कि ठीक है, इस सिचुएशन में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए, सी पे रेडियस आर है, ठीक है, सेंटर है, एक है मास दिया हुआ है, तो V एट C इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. तो ऑल केस में, आई मीन रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना. ये एंगल से क्या है, इनडिपेंडेंट है. यदि मास सेम है, रेडियस सेम है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा हर केस में, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है बेटा. यही रिजल्ट मैं इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ाऊंगा, बस मास के जगह क्या मिलेगा, तुमको चार्ज मिलेगा. तो इसलिए रिजल्ट को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि देखो, ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया कि ये रिंग है, हाँ एक और देखो, ये रिंग है, देखो ध्यान से, ये रिंग है, इसके सेंटर, इसका मास क्या है, एम है, इसके सेंटर पर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल क्या, सी पे आई मीन सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है. रिंग के सेंटर पे क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. आई मीन यहाँ से ये केवल मैंने देखो पहले रिजल्ट क्या बताया कि आर्क है. यदि ये रिजल्ट अल्फा पे डिपेंड होता तो हर केस में रिजल्ट अलग अलग आता, लेकिन हमने देखा कि ये जो रिजल्ट है, आई मीन इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो अल्फा से क्या हो रहा है, इनडिपेंडेंट है. देखो इस रिजल्ट में कहीं अल्फा है क्या, नहीं है, क्या है, जी एम और क्या है, आर है. तो मास केवल रखना है अपने को और बता देना है, ठीक है. तो याद रखना है बेटा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग
एट इट्स सेंटर विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। गॉट इट बेटा? अब दूसरा केस जो होगा वो हम क्या पढ़ेंगे कि रिंग के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बी पॉइंट हो गया। अब देखो बेटा, देखो ये क्या है, ये रिंग है, रिंग यही क्या है, इसका एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके सेंटर से देखो यही सी है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट पी है, जहाँ क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है, और इस पे मास जो है क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ भी क्या करना है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बिना कुछ कैलकुलेशन का एक छोटा मास लिख लें, और ये क्या है, ये मास हमने डी एम मान लिया, इसके द्वारा इस पॉइंट पे देखो ये क्या है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ये आर है, ये एक्स है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब हम इस डिफरेंशियल मास डीएम के द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे तो देखो बेटा डीएम के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, है ना, तो डीएम इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा उसको मैं डीवीपी लिख रहा हूँ। अब देखो क्या लिखेंगे, माइनस जी डीएम, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सही है, ठीक है, अब देखना मुझे क्या करना है, टोटल पोटेंशियल लिखना है, तब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट करने वक्त देखना ये हमेशा क्या होगा, एक कोण है, ठीक है, तो कोण के लिए स्लैंट हाइट हो जाएगा, तो स्लैंट हाइट जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, आई मीन ये फिक्स हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया, जी भी फिक्स हो गया, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस जी अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एम। और इंटीग्रेशन डी एम का मतलब क्या हुआ, टोटल मास, तो आप देख सकते हो कि वी पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये रिंग के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, देखो अब आपको क्या करना है, यही रिजल्ट याद रखना है कि कोई पूछे कि रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो आप लिख सकते हो माइनस जी एम अपॉन क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट माइनस जी एम अंडर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि सेंटर पे कोई पूछे तो क्या करोगे, एक्स को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, तो कहाँ मिल जाएगा, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, अब देखो यहाँ देखोगे एक्स इक्वल टू क्या करो, देखो एक्स दो केस ले रहा हूँ, देखो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और क्या होगा, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस, आई मीन एक्स क्या हो जाए, प्लस इन्फिनिटी हो जाए और माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो ये देख लो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वी पी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्स क्या हो जाए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन क्या हो जाएगा,
पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी सी सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई मीन आप देखोगे तो सेंटर पे निगेटिव में पोटेंशियल क्या है, सबसे ज़्यादा है, और क्या है इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो है। तो बेटा यहाँ जब आपसे कोई पूछे कि ग्राफ ड्रॉ करो पोटेंशियल वर्सेस, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस क्या पूछा जाएगा, पोटेंशियल वर्सेस एक्स। देखो यहां तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी रखिए, यहाँ एक्स रखिए, ठीक है, तो कुछ ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वी वर्सेस क्या हो गया, एक्स ग्राफ फॉर क्या हो गया, इवनिंग फॉर रे, ठीक है, समझ में आया ना। ये क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट द क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब बेटा इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, देखो ध्यान से, थोड़ा हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम, क्योंकि ये तुमसे पूछा ही जाएगा। देखो ध्यान से एग्जाम्पल देख लो, यहाँ दो न्यूमेरिकल बताता हूँ जो आता ही है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। अब देखो किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये क्या है, दो रिंग है, ठीक है, इसका इस पे मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, ये c1 और दिस इज क्या होगा c2, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ r2, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ या r1 मान लो इसको, और r2, ठीक है, इनके बीच जो सेपरेशन है, चलो उसको मैं d मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या इन द शोन फिगर देखो क्या फाइंड आउट करना है, इन एक न्यूमेरिकल इन द शोन फिगर फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल ऑफ मास एम नट फ्रॉम C1 to C2। समझ में आया क्या, यही C1 है, तो इस रिंग के सेंटर से इस रिंग के सेंटर पे क्या करना है आपको, एक एम नट मास को, इस एम नट मास को ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ देखो वर्क डन पूछा गया है और कोई ये नहीं बताया गया कि किसके द्वारा वर्क कैलकुलेट करना है, तो बेटा आपको क्या करना है, वर्क डन बाय क्या है, इंटरनल आई मीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको इस पे अब देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये लिखता हूं, ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊं। कॉन्सेप्ट में क्या करना है, सबसे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या है, मैंने बताया था कि मूविंग मास, यही बताया था ना, इनटू हम क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे, वी इनिशियल, सही है। अब देखो यहां से एम मैं लिख ले रहा हूँ, मूविंग मास, यही मैंने बताया था कि मूविंग मास इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से,
यहाँ मूविंग मास क्या है? m नॉट है, तो हम लिख देंगे m नॉट। देखो कहां से हम ले जा रहे हैं, कहां से? देखो c1, तो c1 क्या होगा? इनिशियल, और c2 क्या हो जाएगा? फाइनल। तो हम क्या लिखेंगे? vc2 टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग 2, ठीक है। यहां एक काम करो, इसको c2 लिख लो बेटा और इसको c1 लिख लो, ठीक है, समझ में आया ना? तो मुझे कहां से? vc2 से, फाइनल vc2 होगा और माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या हो जाएगा? vc1, यही होगा ना। अरे फाइनल पोटेंशियल मुझे कहां से कहां ले जाना है? c1 से c2। तो c1 पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, और c2 पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। यही लिखना है, ठीक है, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है, हो गया, आंसर आ जाएगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे कैसे, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो vc1 लिखते हैं, vc1 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग क्या होगा? चलो इसको रिंग हम 2 मान लेते हैं, रिंग टू, और क्या हो जाएगा? रिंग 1। सभी टाइप के न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तुमको कोई भी मटेरियल या जो भी सॉल्व करना है सॉल्व करो, हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा तुमको। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा? रिंग, क्या होगा? 2 एट c1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा? रिंग 1 एट c1। समझ में आया ना? दोनों के द्वारा हम क्या करेंगे? तो देख बेटा ये, इसके लिए ये पॉइंट क्या होगा? एक्सिस हो गया क्या? समझ में आया? तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, gm2 अपॉन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ d² r² ठीक है, समझ में आया। और इस रिंग के लिए ये कौन सा पॉइंट हुआ? सेंटर हुआ, और सेंटर पे अभी मैंने बताया था vc लिखा था क्या? -gm अपॉन क्या? r लिखा था ना। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? -gm1 अपॉन क्या हो जाएगा? r, ठीक है, अब कुछ नहीं है। उसके बाद देखो सिमिलरली इसके सेंटर पे जब पोटेंशियल लिखोगे vc2 लिखोगे तो क्या होगा? इसके द्वारा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 क्या होगा बताओ? तो इसके लिए एक्सिस होगा, एक्सिस पे अभी मैंने बताया था क्या होगा? gm1 रिंग 1 के लिए ये पॉइंट क्या हो गया? एक्सिस हो गया। तो gm1 अंडर रूट क्या हो जाएगा? r1² प्लस क्या हो जाएगा? d² -gm2 अपॉन क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा? इसका इस रिंग के लिए पॉइंट क्या हो गया? सेंटर हो गया, ठीक है बेटा। अब दोनों वैल्यू मिल गया, यहाँ वैल्यू रख देंगे, आसानी से क्या होगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन, जब आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देता हूँ, क्या होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू m0 v2 पोटेंशियल, देखो -gm1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r1² प्लस d² -gm2, ठीक है, अपॉन r2, ये सब प्लस हो जाएगा, प्लस gm2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ d² प्लस r2², ठीक है, प्लस gm1 अपॉन क्या हो जाएगा? r1, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ एक हम एजम्पशन मान लेते हैं, चलो एक थोड़ा सा इसको और सिंपल कर देते हैं। यदि मैं मान लूँ कि r1 इक्वल टू r2 मान लेता हूँ बेटा, इफ़, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, ठीक है, एंड क्या मान रहा हूँ? d इक्वल टू √3 r, सो दैट थोड़ा प्रॉब्लम आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग m0 फ्रॉम c1 टू c2 कितना हो जाएगा? देखो
इसको लिख सकते हैं, देखो ये कॉमन हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 g अपॉन 2r, यहाँ लिख सकते हैं m2 माइनस m1, ठीक है, यहाँ r है, ठीक है, यहाँ भी देखो हम क्या लिख सकते हैं प्लस g अपॉन r, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा m1 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा m नट इंटू, सिंप्लीफाई कर लो बेटा तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ m2 टू माइनस एम वन इंटू क्या हो जाएगा g अपॉन टू आर माइनस क्या हो जाएगा g अपॉन r, ठीक है, और यहाँ आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा देखो माइनस m नट, ठीक है, m2 टू माइनस एम वन g अपॉन, ठीक है, समझ में आया क्या, यदि दोनों पे मास सेम होगा तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, देख रहे हो ना यहाँ से दोनों रिंग पे सेम मास होगा तो रिंग की एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे ले जाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ सिंपल, जैसे मान लो कि क्या है एक रिंग दिया हुआ है, देखो ध्यान से एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है रिंग है, या रिंग नहीं, ये देखो ध्यान से ये पॉइंट मास है यहां रखा गया है और स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर यहां एक पॉइंट मास है यहां रख दिया गया है, ये रेडियस क्या है आर है, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, एक पॉइंट मास को हम क्या कर रहे हैं यहाँ से एम नट को कहाँ मूव करा रहे हैं ए टू बी, तो मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन फाइंड, मैं ये बता दूं फाइंड वर्क डन इन मूविंग एम नट फ्रॉम ए टू बी, फाइंड वर्क डन इन मूविंग एम नट फ्रॉम ए टू बी हैज शोन इन द फिगर, ठीक है, समझ में आया ना, ए से बी तक एम नट को मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। बेटा याद रखना कि अब देखो इसमें क्या है, ये आप ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले मुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन वर्क एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू क्या होगा मूविंग मास इनटू, मैंने क्या बताया था फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, क्या है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब यहाँ फाइनल पोटेंशियल क्या है, मूविंग मास एम नट है, फाइनल पोटेंशियल क्या है वी बी, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है वी ए, यही है बेटा। अब ये पॉइंट मास है तो पॉइंट मास के द्वारा देखो यहाँ वी ए लिखोगे तो क्या होगा माइनस जी एम अपॉन आर, वी बी बी लिखोगे क्या होगा तो माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा एम नट इंटू जीरो, वर्क डन क्या होगा जीरो, क्यों, क्योंकि ये जो क्या है दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस, इसको हम क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो कहीं भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है तो आपको मास को इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। इसको मोर डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस, समझ में आया ना। तो कोई भी पॉइंट मास है तो उसके द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो होगा वो क्या होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, ठीक है, तो इस स्फीयर पे एक जगह से दूसरे जगह
किसी भी मास को मूव कराने के लिए अपने को कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, अब एक न्यूमेरिकल और बताता हूं जो जनरली आपको मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल यहां कोई की है, एयरिंग है, एयरिंग का क्या हो गया C और इसका ए, दिस इज रेडियस। ठीक है, देखो लॉजिक समझ लेना, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, D इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि रूट थ्री आर है। रूट थ्री आर इसलिए लिख रहा हूँ कि कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या किया गया है, एक पॉइंट मास को यहाँ से एम नॉट को क्या किया गया है, एम को रिलीज किया गया है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इन द सोन फिगर, इन द सोन, एक क्वेश्चन में लिख लो सोन फिगर, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिलीज्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल when it reaches at the center of ring। बेटा ये याद रखना, रिंग जो है यहाँ क्या है, फिक्स है, नहीं तो यार कॉम्प्लिकेटेड रिंग हम मैं बोल दे रहा हूँ कि क्या है, समहाउ इसको फिक्स किया गया है। ठीक है, समझ में आया। अब अपने को क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। ठीक है, क्या है, वर्क एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ, आपको क्या करना है, एनर्जी यूज करना है। दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो। देखो चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट, पहले देखो क्या करना है कि यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूविंग मास इंटू क्या होगा, पोटेंशियल आई। यू एफ इक्वल टू क्या होगा, यू का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, मूविंग मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, यू एफ कितना होगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, एक ये मेथड है, दूसरा है कि देखो वर्क डन, देखो वर्क डन बाय क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लिख रहे हैं जी इक्वल टू क्या होगा, देखो यू आई माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ और इक्वल टू क्या लिखेंगे, मूविंग मास इनटू वी आई माइनस क्या लिखेंगे, वी एफ। इस दोनों कॉन्सेप्ट में से, क्योंकि यहाँ काम कौन कर रहा है, देखो ध्यान से, हमने यहाँ से छोड़ दिया तो इस पे काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ये भी ध्यान रखना बेटा, रिलीज किया गया है तो इसी के अलोंग क्या होगा, ये मूव करेगा, आप जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस रिंग के द्वारा इस पे जो लगेगा वो एक्सिस के अलोंग ही लगेगा, किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग, इसलिए ये मास जो एम जो होगा वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। समझ में आई बात। तो इस दोनों मेथड से, क्योंकि यहाँ काम कौन कर रहा है, तो पहला मेथड हम क्या यूज कर लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करेंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो मेथड वन मैं बता रहा हूं, देखो मेथड वन इज इक्वल टू क्या होगा, बाय यूजिंग, दोनों मेथड से मैं बता, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, डब्ल्यू टोटल, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के ई।
के ई का मतलब क्या हुआ, के ई एफ माइनस क्या हो जाएगा, के ई आई। और बेटा यहाँ से रिलीज किया जा रहा है तो यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यू जीरो है, तो के ई आई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि जब ये सेंटर पे पहुँच रहा है उस समय उसका वेलोसिटी क्या है, भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 m × v2। ठीक है, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाई क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वर्क क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू 1/2 m v2। ठीक है, डब्ल्यू जी क्या लिखेंगे, देखो मूविंग मास, ठीक है, इनटू, देखो मैंने ये बताया था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू मूविंग मास। वर्क डन बाई फील्ड फोर्स क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इनटू क्या हो जाएगा, मूविंग मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी आई माइनस क्या हो जाएगा, वी एफ इक्वल टू 1/2 m v2। ठीक है, वी आई का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पी, तो वी पी माइनस वी सी, ठीक है, इक्वल टू 1/2 m v2। ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से आप V का वैल्यू लिख सकते हो, V इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 × क्या हो जाएगा, V यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी, समझ में आया ना, 2 × ये स्मॉल V लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 × क्या हो जाएगा, वी पी माइनस क्या हो जाएगा, वी सी। ठीक है, यही आपको क्या कर रहा है फॉर्मूला। अब वी पी क्या होगा, देखो तो पी पॉइंट पे इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा बताओ, देखो तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, रिंग के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा, देखो माइनस जी एम अपॉन, आई थिंक डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 r, और वी सी कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आ जाएगा, वैल्यू रख दो बेटा और देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब रिंग में इतने टाइप से अलग कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, कोई भी बुक तुम देख लेना, इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने पॉइंट बता दिया था। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन 2 r प्लस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, r। ठीक है, इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, r आ जाएगा। तो इस वेलोसिटी से क्या होगा, इस वेलोसिटी से, दिस इज क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, m। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m नॉट एट सेंटर ऑफ रिंग, इस वेलोसिटी से क्या होगा, उसके रिंग पे, रिंग के सेंटर पे पहुंच जाए। दूसरा मेथड जो बेटा मैंने बोला था अभी, कि देखो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर लेते हैं यार, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम यूज करेंगे, याद रखना, ग्रेविटेशनल मोशन में, ग्रेविटेशन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 में मैं बता रहा हूँ, ये दोनों बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो टी ई आई इक्वल टू क्या होगा, टी ई एफ, सही है, टी आई क्या होगा, देखो 0 प्लस यू पी, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी एट पी इक्वल टू 1/2, देखो एम वी स्क्वायर प्लस यू सी, यही होगा बेटा। अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यू पी माइनस क्या लिखेंगे, यू सी इक्वल टू 1/2 m v2, सही है। यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मूविंग मास इंटू वी पी, आई मीन पोटेंशियल एट पी
ठीक है, माइनस मूविंग मास इनटू पोटेंशियल एट सी इक्वल टू 1/2 mv2। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन देखो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू वी पी माइनस क्या हो जाएगा वी सी। इसका वैल्यू अभी हमने देखा था, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यही क्या हो गया, सेंटर पे क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, समझ में आया। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि फार अवे से रिलीज कर दिया, इन्फिनिटी से रिलीज कर दिया तो क्या, सेंटर पे, तो इन्फिनिटी से जब रिलीज करोगे तो, या वेरी फार दिया हुआ है तो एक्स जनरली हम क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे। तो केवल क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है बेटा, पोटेंशियल इनटू मूविंग मास। ठीक है, पोटेंशियल इनटू मूविंग मास से पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देंगे और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे अलग नहीं, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, तुम उसको एक बार देखो और इससे अलग तुमको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, रिंग में अब मैं बता रहा हूँ आपसे आपको कि जनरली क्या होगा, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अगला पॉइंट देख लेना, ये सी हो गया। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्क। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं। ये रिजल्ट याद करना और यहां कैसे कैलकुलेट करेगा वो मैं बता देता हूं। ठीक है, यही क्या है, डिस्क है, यही एक्सिस हो गया, इसके किसी पॉइंट पी पे क्या करना है, पोटेंशियल क्या करना है तुमको लिखना है। ठीक है, इस पे मास क्या है, एम दिया हुआ है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। याद रखना एक फार्मूला मैंने बताया था कि ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन क्या होता है, डी आर। तो यहाँ हम ई वी लिख सकते हैं, ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। इस रिजल्ट को यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हो। अब यहाँ सिग्मा कितना होगा वो लिख लें, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जब लिखोगे देखो, पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे, वी पी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो क्या होगा, देखो माइनस सिग्मा, ठीक है, अपॉन एक मिनट, माइनस क्या लिखे, ठीक है एक मिनट, टू पाई इंटू टू पाई इंटू टू पाई जी। ठीक है, हाँ हो गया। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो माइनस, ठीक है, 2πg σ इंटू अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। ये तुमको क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कि डिस्क के किसी भी पॉइंट पी पे आपसे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस 2πσ g इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ क्या होगा, x, क्या होगा, मॉड ऑफ x। यहाँ तुम देख सकते हो कि देखो यहाँ ऑब्वियसली ये दिख रहा है, सही है रिजल्ट, गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमसे ये पूछा जा सकता है। अब एक AIIMS JEE मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो
उसको हम कैसे सोचेंगे वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले ये देख लो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस टू पाई जी सिग्मा इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, समझ में आया। अब यदि आप लिखोगे देखो कि एट द सेंटर ऑफ डिस्क, एट सेंटर ऑफ डिस्क, ठीक है, क्या हो जाएगा एट सेंटर ऑफ डिस्क एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस टू पाई सिग्मा, ठीक है, जी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ यदि तुम सिग्मा का वैल्यू रख दो वहाँ से देखो ध्यान से, तो वी पी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू पाई जी आर इंटू एम अपॉन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एम पाई से पाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी पी इक्वल टू माइनस वी पी नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ सी लिखना चाहिए, सॉरी सेंटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट तुमको क्या करना है याद रखना है। देखना कैविटी से रिलेटेड भी यहाँ प्रॉब्लम पूछा जाता है कि कुछ पार्ट हमने कट करके निकाल लिया तो रिमेनिंग पार्ट का पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या करना है जिस पार्ट को हम कट करके निकालते हैं उसका मास हम क्या मान लेंगे, मास डेंसिटी क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे, और इसका मास डेंसिटी अब क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे, और दोनों को क्या करेंगे सुपर इम्पोज कराएंगे, तो फिर तुमको क्या मिल जाएगा पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को देख लेना, डाउट होगा तो तुम भेजना मैं बता दूंगा, ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट है कि अगला जो पॉइंट है क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ये आपको क्या करना है याद रखना है। तो ये अगला टाइप है, इसमें स्फीयर देखो, अब स्फीयर के द्वारा कैलकुलेट करना है, यही सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसमें मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एम, तो इसके द्वारा आपको क्या करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। तो इसमें केस वन कंसीडर कर रहा हूँ कि व्हेन केस वन में हम मान लेते हैं क्या है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन क्या होगा सेंटर से देखो ध्यान से, सेंटर से मुझे क्या करना है आर डिस्टेंस पे क्या करना है पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो याद रखना है बेटा, ये मैंने बताया था कि हमने पढ़ा था कि एनी पॉइंट आउटसाइड के लिए सॉलिड स्फीयर जो होता है या हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग शेल हो वो पॉइंट मास की तरह क्या करता है बिहेव करता है। तो इस केस में स्फीयर को हम क्या करेंगे उसके सेंटर पे क्या करेंगे रख देंगे, उसके मास को सेंटर पे रख देंगे, और आर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे पोटेंशियल आसानी से लिख सकते हैं जो पॉइंट मास का फॉर्मूला होता है। अब तो बेटा यहाँ से आसानी से लिख सकते हो कि वी एट पी इक्वल टू क्या होगा माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड क्या होगा सीएल हो या जो भी हो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, तो एनी पॉइंट आउटसाइड के लिए क्या करें कोई भी पॉइंट बाहर साइड है इसके बाहर पॉइंट के लिए क्या करेगा पॉइंट मास की तरह
हम इसको कंसीडर कर लेते हैं और उस मास को कहाँ रखते हैं, सेंटर पे, और पॉइंट मास के द्वारा बेटा हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन क्या होता है, आर होता है, ठीक है। दूसरा जो इसमें केस है, केस सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि व्हेन आर इज लेस देन क्या होगा, ठीक है, आई मीन क्या है, यही स्फीयर है, ये सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई क्या है, पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। तो यहाँ भी देखो इसका भी डेरिवेशन है, तो लेकिन डेरिवेशन में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम रिजल्ट लिख लें, 15 मिनट चला जाएगा, 10-15 मिनट तुमको एक्सप्लेन करने में, तो बेटर ये है कि हम लिख लेते हैं कि भी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यू इन टू थ्री आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये तुमको क्या करना है, याद रखना है बेटा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इनसाइड जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होगा स्फीयर के लिए होगा, और आउटसाइड के लिए क्या होगा, ये, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं हर पॉइंट को एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है, दो तीन पॉइंट तुमको क्या करना है, यहाँ याद रखना है, ठीक है। वीपी, अब देखो वी एज ए फंक्शन ऑफ आर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर किसके लिए, सॉलिड स्फीयर, इसको याद करना है तुमको, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन आर, जब आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यू इन टू थ्री आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, आर स्क्वायर, जब ये आर क्या होगा, लेस देन आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब देखो, अब यदि क्या लिखे हैं, इफ़, देखो यहाँ से इफ़, यदि हम लिखें इफ़ R इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, R, आई मीन V एट द सरफेस इज इक्वल टू कितना होगा, देखो माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ लिखें कि इफ़ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो R बाई टू चेक कर लेते हैं, R बाई टू, तो देखो जब R इक्वल टू R बाई टू पे आपको पोटेंशियल पूछा जाए तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ देखो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू रखो यहाँ, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, टू आर क्यूब इन टू आर बाई टू, आई मीन कितना लिखोगे, 11 आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4, सही है, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन क्या लिखेंगे, 11 जी एम अपॉन 8। यदि तुमसे कोई पूछे कि इफ आर इक्वल टू क्या हो जाए, 0, आई मीन क्या हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इसको वी सी लिख रहा हूँ, देखो ये क्या होगा, माइनस 3gm अपॉन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो bc और bs और bc में हम रिलेशन लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 पोटेंशियल ऑन क्या हो जाएगा, सरफेस, समझ में आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब आपको कहीं भी क्या पूछना, पूछा जाए कि कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल पोटेंशियल इनटू क्या लिखोगे, मास लिख दोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कितना टाइम हुआ देखना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और क्या है, सॉलिड स्फीयर। अब एक मैं क्वेश्चंस बता, एक्सप्लेन करता हूँ और आप उसको क्या करना है आपको, एगेन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, एगेन
ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के डायमीटर के अलोंग हमने क्या किया, क्या किया, एक होल कर दिया। समझ में आई बात? डायमीटर के अलोंग यही क्या है, इसका सेंटर है, ये सरफेस है। इसका मास क्या है, एम दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और होल कर दिया, यहाँ से क्या है, एक पार्टिकल जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, इसको रिलीज किया गया। क्या किया गया, रिलीज किया गया। कहाँ से, सरफेस से। तो तुमसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम व्हेन इट रीचेस एट पॉइंट सी एज shown in the figure, ठीक है। समझ में आया क्या, यहां से रिलीज किया गया और तुमसे पूछा गया है कि सी पॉइंट पे जब आ रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यहां मैं मान लेता हूं कि उसका वेलोसिटी क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। समझ में आया, देखो कॉन्सेप्ट क्या, जब भी तुमसे कहीं भी वेलोसिटी पूछे तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आना चाहिए, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझे क्या करना है, यूज करना है, या वर्क एनर्जी थ्योरम बेटर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें सॉल्यूशन मैं लिखूँ तो आप लिख सकते हो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बताओ कॉन्सेप्ट में क्या है भाई, कि वर्क क्या करना है तुमको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। क्या, टोटल एनर्जी एट एस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट क्या होगा, सी, ठीक है। अब ये फार्मूला देखो, इसको याद, या इसको भी याद रखना, कभी कभी इस फार्मूला से भी क्या है कि सरफेस पे तो तुम आसानी से पोटेंशियल लिख सकते हो माइनस जी एम अपॉन आर, तो सेंटर पे सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसका क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि U पोटेंशियल एनर्जी एट S प्लस काइनेटिक एनर्जी एट S इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट क्या होगा, C। ये वाला टर्म जीरो है, क्यों, क्योंकि रिलीज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यू एस माइनस क्या होगा, यू सी इज इक्वल टू क्या होगा, के ई, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी सी स्क्वायर, सही है। U को क्या लिख सकते हैं, देखो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो क्या लिखते हैं, पोटेंशियल इनटू क्या लिखते हैं, मूविंग मास। पोटेंशियल किसके द्वारा लिखेंगे, किसके फील्ड में मूव कर रहा है, ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो अर्थ के द्वारा यहाँ जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल इनटू मूविंग मास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो एम इनटू क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल एट सेंटर देखो दिया हुआ है, समझ में आया क्या, पोटेंशियल एट सेंटर दिया हुआ है, कितना है देखो ध्यान से, एम इंटू वी एस, तो वी एस माइनस 3/2 वी एस, सही है, इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, देखो टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी एस बाई क्या हो गया, और वी एस का वैल्यू कितना होगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा यार, सरफेस पे अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, जी एम अपॉन क्या होगा, आर होगा, माइनस जी एम अपॉन आर, यही होगा ना। यहाँ वैल्यू रख दो तो वी सी इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस, ठीक है, जी एम अपॉन 2 आर इंटू क्या हो जाएगा, यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ से तुम देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट क्या होगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है। इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पहुँचेगा,
कहाँ पहुँचेगा? अर्थ के सेंटर पे पहुँचेगा। तो जब भी क्या होगा, जो फील्ड लिखे सॉरी कहीं भी आपसे वेलोसिटी पूछा जाए, तो आपका सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे हम यूज करते हैं, ये आना चाहिए। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे एनर्जी लिखना है सिस्टम का, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू क्या करना है, मूविंग मास यूज कर देना है। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स होंगे तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, शायद इसको अच्छे से देखोगे लेक्चर को, और देखने के बाद इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, समझ में आएगा। बाद में प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा ही समझ में आने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, इसका ग्राफ मुझे बताना था, एक मिनट रुक जाओ, ग्राफ बता देने दो। ग्राफ हमने ग्राफ भी मैं बता देता हूँ। फॉर सॉलिड स्फीयर देखो ग्राफ क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन आर। जब आर क्या होगा, लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या होगा, टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आर क्या होगा, लेस देन आर। तो ये ध्यान से देखना, ये किसका ग्राफ है, पैराबोला का है, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जब तुमसे कोई ग्राफ पूछे, ठीक है, तो ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ वी ए आर इक्वल टू हमने आर लिखा, तो यहाँ से ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और यहाँ से ठीक है ये कुछ ऐसे हो गया, थोड़ा सा पैराबोला है, समझ में आया। यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ ऐसे ही जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इधर भी होगा, इस साइड भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। यदि मुझे ड्रॉ करना है तो ये सिमेट्रिकल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, इस नेचर का ग्राफ होगा, किसी किसी बुक में देखना एक ही तरफ दिया हुआ होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो आसानी से। ये वाला जो नेचर देखो, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये सेंटर हमने दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया, बुक में देखना एक तरफ दिया होगा तो ये मत सोचना ये गलत है, मैं इधर भी कंसीडर कर लिया हूँ। ठीक है, इधर क्या होगा, आर से आर देखो, इधर वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई मीन इधर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो तुमको मालूम है हाइपरबोला, और इधर सिंपल क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किधर हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, पैराबोला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ग्रेविटी, पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा, शेल स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, दोनों सेम चीज है। ठीक है, हॉलो स्फीयर, तो यहां देखो हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होगा कि मास जो होगा वो कहां होगा, सरफेस पे होगा, समझ में आया ना। ये तुमको मालूम है कि सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, सही बात है, जीरो होता है ना, कोई डाउट नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो हम यहाँ से ऐसे इससे प्रूव कर सकते हैं, आसान है कि पोटेंशियल देखो, यहाँ भी दो पॉइंट लेंगे, पहला क्या लिखेंगे, यहाँ से किसी पॉइंट पी पे इनसाइड, तो पोटेंशियल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इनसाइड द शेल। ठीक है, दैट इज क्या होगा, आर क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन आर इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन क्या होगा, इक्वल टू। ठीक है, अब देखो मैं इसको प्रूव करना आसान है, माइनस
डी वी अपॉन, इसको सिंपल लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ये तुमको मालूम है, ई जी इज इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज लेस देन आर। और क्या होगा, ई जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जब आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये तुमको मालूम है। तो अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा। तो देखो डी वी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई मीन वी इक्वल टू हमने सी मान लिया। ठीक है, तो थ्रू आउट द सर, थ्रू आउट द क्या होगा, थ्रू आउट द क्या होगा शेल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और सरफेस पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हैं, देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, r। ठीक है, ये कब होगा, जब r इज लेस देन इक्वल टू हम क्या मानेंगे, r। शेल के केस में पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हर जगह कहीं भी आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट ये q है, ये पॉइंट r है, ये पॉइंट s है, ठीक है, s है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, तो देखो लिख सकते हो कि वी पी इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी एस इक्वल टू, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, हर जगह क्या होगा, सेल के अंदर हर पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल सेल जो होता है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। ठीक है, आई मीन हर जगह क्या होगा, वॉल्यूम पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कि किसी मास को P से Q पॉइंट पे मूव कराना है तो कितना काम करना पड़ेगा, यार तो जीरो काम करना पड़ेगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं। अरे P से Q तक मूव कराना है तो आपको काम करने की जरूरत क्या है यार, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल टू मूविंग मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q पॉइंट के बीच क्या है, जीरो है, इसलिए वर्क डन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना, तो शेल के अंदर सभी जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और कितना होता है पोटेंशियल, जितना सरफेस पे होगा, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें जो पॉइंट है कि क्या होगा पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ क्या हो जाएगा, शेल। ठीक है, आउटसाइड ऑफ शेल आई मीन क्या होगा, दैट इज लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो देखो ये शेल है, ठीक है, सेल पे मास रखा, इसका रेडियस आर है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, यहाँ आपसे कोई पोटेंशियल पूछा गया है, कहाँ से, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए सेल क्या करता है, पॉइंट की तरह बिहेव करता है, तो इसका नेचर क्या होता है, इसके बाहर और अंदर इसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखो ये सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने के लिए इसके सेंटर पे टोटल मास को रख देंगे और फिर सिंपल लिख देंगे वी एट आर इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, और इनसाइड के लिए क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल शेल क्या होगा, वी एट आर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, जब r क्या होगा बताओ, जब r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r होगा, और इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल r, जब r क्या होगा, ग्रेटर देन r। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तुमको इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब ग्राफ हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सेल के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो पहले आर तक देखो, आर तक पोटेंशियल जो है क्या है, कांस्टेंट है, सही है, वी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और इसके बाद जो वी का जो वैल्यू है वो क्या है,
समझ में आया? यहाँ क्या होगा, वी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ भी लिख लो और यहाँ, ठीक है। एट द सेम टाइम यदि ई का ग्राफ ड्रॉ करोगे सेल के लिए, फॉर सेल, फॉर सेल, ठीक है, देख लो इधर